वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप दिसंबर 2022 एग्ज़ाम के लिए जो डेट शीट है, उस डेट शीट को अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट को कैसे पता करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं। क्योंकि डेट शीट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंशन हैं, जिसकी वजह से उनको अपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में मोबाइल से ही बताऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करके आप अपनी डेट शीट डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट के कोड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस डेट पर किस सेशन में कौन सा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या जिस भी ब्राउज़र में आप सर्च करते हैं उसको ओपन करें। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में इग्नू की वेबसाइट को सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पर ignu.ac.in को सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके सामने इग्नू की वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अगर आप नीचे चलेंगे तो आप नीचे यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में देख पाएंगे, यहाँ पर दिया गया है टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन। बट कुछ टाइम बाद ये ऑप्शन यहाँ से चले जाएगा जब भी कोई नई अनाउंसमेंट होगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप कभी भी अगर डेट शीट डाउनलोड करते हैं तो आपको कहाँ पर जाना होगा। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी वेबसाइट पर एक ऑप्शन है डाउनलोड्स का। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डेट शीट। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं आप स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीज़न वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे आप ब्लैक कलर से देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन टेंटेटिव। यानी कि यही वो टेंटेटिव डेट शीट है जो आपको डाउनलोड करनी है। देन आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी डेट शीट PDF फॉर्मेट डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी। अभी ये सिर्फ PDF रीडर के अंदर आप इसको देख पा रहे हैं। अगर आप जो भी PDF सपोर्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन में ये डेट शीट ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होता है जो कि अभी आपके काम आने वाला है। तो फिलहाल आप डेट शीट देखें कि डेट शीट आपकी वही है जो अभी रिलीज़ हुई है और 6 अक्टूबर को ये डेट शीट आई थी। सो इस डेट शीट में अगर हम अपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और नीचे कंप्लीट डेट शीट दी गई है जो कि पूरी 10 पेज की डेट शीट है। इस डेट शीट में इग्नू के सभी कोर्सेज के सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। सो सिंपली आपको कोई भी कोर्स अगर चेक करना है कि किसका एग्ज़ाम किस डेट पर है तो आपको ऊपर सिंपली जो सर्च बार है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर्च का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट का कोड डालना है। सपोज डैट मुझे यहाँ पर AHE01 का सब्जेक्ट ढूंढना है तो यहाँ पर सिंपली मैंने AHE टाइप किया है। AHE टाइप करने के बाद AHE से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स इस डेट शीट में मेंशन होंगे वो सभी सर्च लिस्ट में आ जाएंगे। फिलहाल AHE का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 of 1 लिखा हुआ है। अगर और भी यहाँ पर सर्च रिजल्ट होते तो वो यहाँ पर मेंशन होते। फिलहाल यहाँ पर एक ही रिजल्ट मेंशन है। सो मुझे पता चल गया है कि AHE01 का एग्ज़ाम 9 दिसंबर को है और जो इसकी शिफ्ट है वो है मॉर्निंग शिफ्ट। क्योंकि आप ऊपर डेट शीट में चेक करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड में है वो मॉर्निंग सेशन के हैं और जो राइट साइड में है वो इवनिंग सेशन के हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चेक करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। सपोज दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट में सर्च करता हूँ ACC01, तो मैंने ACC01 लिखा है बिना किसी गैप, बिना किसी स्पेस के मैंने यहाँ पर टाइप किया है। आप देख पा रहे हैं ACC01 टाइप करते ही मुझे एक रिजल्ट मिल गया है जो कि ACC01 का एग्ज़ाम है जो कि 14 दिसंबर 2022 को होगा। तो उसकी भी शिफ्ट मॉर्निंग है। तो इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की जो डेट्स है वो चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड को टाइप करके। उसके बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने यहाँ पर BSWE का एक सब्जेक्ट सर्च किया है क्योंकि BSWE के काफ़ी सारे कोर्स हैं। तो आपने अगर जैसे यहाँ पर BSWE लिखा तो टोटल 9 रिजल्ट आए, बट मुझे BSWE02 सेलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ BSWE002 डाल के यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक ही रिजल्ट है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से बी एस
WE के जितने सब्जेक्ट हैं, मुझे जिसकी भी डेट देखनी है मैं सिंपली नेक्स्ट करता रहूँगा और मेरे सामने सभी सब्जेक्ट कोड मेंशन होंगे और उसके सामने उनकी डेट्स भी मेंशन होंगी। सो इसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स की डेट को फाइंड आउट करना है। काफ़ी इजी प्रोसीजर है, आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनके सब्जेक्ट कोड ग्रुप में मेंशन है। आप डेट शीट में देखेंगे नीचे यहाँ पर ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं, ग्रुप वन से लेके ग्रुप सिक्स तक। और यहाँ पर इस बार डेट भी मेंशन की गई है कि ग्रुप वन के एग्ज़ाम किस डेट पर हैं, ग्रुप टू के एग्ज़ाम किस डेट पर हैं। तो आपका सपोज डेट कोई सब्जेक्ट है जो ग्रुप वन में दिया गया है, जैसे ग्रुप वन में ESD 1 है, BGSE 001 है, BHDE 101 है। इसी तरीके से अगर आप सर्च करके भी देखेंगे यहाँ पर किसी भी ग्रुप के सब्जेक्ट को, जैसे मैं ESD 01 को यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप देख पाएंगे ESD 01 पहले ग्रुप में है और उसके दो रिजल्ट हैं। पहला ग्रुप में शो हो रहा है, दूसरे पे क्लिक करा, दूसरा 2 जनवरी 2023 के लिए शो हो रहा है और इसकी डेट आपको ग्रुप वन के नीचे भी दिखाई दे जाएगी। पहले ये डेट यहाँ पर मेंशन नहीं होती थी बट अब ये मेंशन करने लगे हैं। बट इसका सेशन नहीं पता था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सर्च करके देखा, तो इस तरीके से आपको उसका सेशन भी पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में। तो इसी तरीके से आपको भी अपने सब्जेक्ट की डेट को फाइंड आउट करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।